गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक लेक्चर्स की सीरीज़ को, जिसके अंदर मैं वन बाय वन एक टॉपिक को पढ़ाता चला जाऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस फिजियोलॉजी को, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप बोल सकते हो या फिर आप इसे जनरल फिजियोलॉजी बोल सकते हो, इसको आप कैसे समझेंगे और किस तरीके से इसकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और कैसे आपको हेल्प करेगी आगे की चीज़ों को समझने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बॉडी फ्लूइड के बारे में। इससे पहले भी एक आधा टॉपिक है, अगर आप जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ें, जो सेल से रिगार्डिंग है, जिसमें हम सेल की मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं या उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने शुरुआत यहाँ बॉडी फ्लूइड से कर रहा हूँ। हो सकता था कि मैं शुरुआत जनरल फिजियोलॉजी से होता, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सेल के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज है। अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर भी वीडियोज़ आनी चाहिए थी तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर से भी वीडियो बना दूँगा। वैसे मैं लेक्चर नंबर 1 शुरुआत कर रहा हूँ आज इस टॉपिक से, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, बॉडी फ्लूइड्स मैं इस तरीके से इसको रखा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक नोट्स लिखे हैं और ऐसे ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कोशिश करिए कि आप इनको उतार लें अपनी कॉपी के अंदर, एक सेपरेट नोट्स क्रिएट करें अपनी हैंड राइटिंग में, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और अपने आप से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छे समय तक याद रहता है और प्रॉपर भी रहता है। अगर आपको चाहिए होगा कि ये नोट्स आपको चाहिए, आप मैं इनको प्रोवाइड करूँ, तो मैं उसकी कोशिश कर सकता हूँ कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बना के आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको उस पर ये नोट्स सेंड कर दूँगा। पर मैं तो यही ऑप्शन देना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स को खुद बनाएं सेल्फ। बाकी पढ़ आप यहाँ से ले, मैंने जितना लिखा है इतना आपका सफिशियंट है, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है यहाँ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, कि बॉडी का फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करना है। बेसिकली बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक है सॉलिड और दूसरा है फ्लूइड। तो सॉलिड और फ्लूइड की कंपोजिशन देखने मिलती है, जिसमें हाई कंपोजिशन होती है फ्लूइड की, और इससे आपसे पूछे कितने % है, तो ये हमारी बॉडी का 2/3% होता है। 2/3 यानी 2/3 हम बोल सकते हैं। होल बॉडी का जो आपका पार्ट है उसमें का पार्ट जो है फ्लूइड है, 2/3 पार्ट जो है वो आपका फ्लूइड है। अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर डिस्कस करें, इन ह्यूमन बीइंग्स, तो यहाँ लिखा टोटल बॉडी वाटर वेरीज फ्रॉम, वाटर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 45% टू 75% ऑफ द बॉडी वेट। ये आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी का अंदर जो वाटर है, टोटल बॉडी वाटर होता है, वो बॉडी वेट का 45 से 75% के आसपास होता है, और ये मेल और फीमेल में वैरी करता है। उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ दे रखी है। अगर आप एक नॉर्मल यंग एडल्ट मेल को लेते हैं तो उसकी वैल्यू है 60% to 65% वाटर देखने को मिलेगा एंड 35 to 40% सॉलिड स्टेट देखने को मिलेगा। यानी एक एडल्ट मेल के अंदर 60 से 65% होता है पानी और 35 से 40% होता है सॉलिड मटेरियल। वहीं पर अगर हम एक एडल्ट फीमेल की बात करें तो उस एडल्ट फीमेल में 50% से 55% होता है वाटर और 45% से 50% होता है सॉलिड। यानी फीमेल के अंदर सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होता है, और इसका कभी कभी आपसे आंसर भी पूछ लेते हैं या वजह पूछ लेते हैं कि भाई इसकी वजह बताइए। तो याद रखेंगे, हमें लिख रखा है इन फीमेल वाटर इज लेस, और उसकी वजह क्या है, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। जब मैं टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँगा तब आपको बताऊँगा कि कैसे होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू मेल, और यही एक वजह होती है जिसकी वजह से फीमेल के अंदर पानी कम होता है, क्योंकि इन टिश्यूज़ की वजह से वाटर होल्ड नहीं होता, जबकि मेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि जो थिन पर्सन होगा उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी पतले लोगों के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जबकि मोटे लोगों के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टिश्यूज़ और फैट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि भाई पतले लोगों में पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है और मोटे लोगों में पानी का अमाउंट कम होता है। इसी तरीके से एज का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप ओल्ड एज पे जाते हैं तो आपने देखा होगा लोग जल्दी जल्दी मोटे होना चालू हो जाते हैं, मोस्टली ओल्ड एज में इंसान मोटा होता है। तो वाटर कंटेंट इज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एडिपोज टिश्यू। सेम स्टेटमेंट है। आप जानते हैं जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मोटे होने पर, तो उसकी वजह से एडिपोज टिश्यू की जो स्ट्रेंथ है, जो वैल्यू है बेसिकली, वो बढ़ती चली जाएगी, और उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से वाटर कंटेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। यानी ओल्ड एज में पानी जो होता है बॉडी के अंदर कम देखने को मिलता है और टिश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली गई है कि अगर एक 70 kg का कोई पर्सन है तो उसके अंदर लगभग 40 लीटर होगा वाटर। आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कि 40 लीटर्स की बॉडी में वाटर प्रेजेंट होगा। बाकी आप निकाल सकते हो कि भाई जितना भी % है उस % का आप निकाल लो, और वेट के हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। नॉर्मल भाषा में अगर हिंदी में इसे हम बोलते हैं महत्व, कि इसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस यानी बॉडी फ्लूइड्स का क्या महत्व है, ये क्या क्या करता है। तो इसको आपके 5 पॉइंट में मैंने डिफाइन करा हुआ है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियोज़ भी लेके आऊँगा जिसमें कि आप इस बारे में पूरा भी लिख सकते हैं। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि बॉडी फ्लूइड्स की सिग्निफिकेंस या महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला होता है होम्योस्टैसिस। इसको आप आगे करके पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आपके कोर्स में भी है, जितने भी बीपीटी या बीफार्मा या जो अदर कोर्सेज से जुड़े हुए हैं वहाँ पर ये होम्योस्टेटिक्स हमेशा देखने को मिलता है। जितने भी आपके मेडिकल कोर्स वो है सब्जेक्ट उसमें देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बाकी अभी के लिए याद रखें होम्योस्टेटिक्स क्या है, एक कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर बॉडी अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो आप चाहे ठंडे इलाके में चले जाइए या फिर आप गर्म इलाके में चले जाइए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, वो 37 डिग्री अपने आप को मेनटेन कर लेगा। और ये मेनटेन करने का जो प्रोसेस है इसे ही हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। उसके बाद सेकंड जो थिंग है वो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो बॉडी के फ्लूइड की वजह से ही कंट्रोल्ड होती है। तीसरा जो है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड ही जो क्या करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि किस तरीके से टेम्परेचर निकलता है, यानी आपकी बॉडी ही मेनटेन करती है टेम्परेचर को। नेक्स्ट आता है इसमें टेक्स्चर ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का टेक्सचर, यानी अगर सपोज करो आपके पास एक सेल ऐसी है और उसके अंदर अगर वाटर फिलअप होता है तो ये आपकी किस तरीके से ग्लोबुलर हो जाएगी, यानी कि जो टेक्सचर है, जो शेप है किसी भी टिश्यू की, वो डिपेंड करती है बॉडी फ्लूइड पर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। किसी भी चीज़ को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होके ही जाता है। सपोज करो कि मैंने कोई वाटर के अंदर ग्लूकोज डाल के उसे मैंने इनटेक करा तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर उस वाटर के थ्रू ही वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में मदद करता है बॉडी फ्लूइड। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है बॉडी फ्लूइड्स के। आगे हम बात करते हैं कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड के। अब कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड क्या है समझिए, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम कंपोनेंट के बने तो कंपार्टमेंट मानेंगे 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, एक होता है ICF और एक होता है ECF। ICF क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जबकि ECF का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है इसे समझिए। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि कितना सेल के इनसाइड का एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट में देख के बात करी जाती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेलुलर मतलब सेल, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, फ्लूइड यानी सेल के बाहर कैसा फ्लूइड है उसे बोलते हैं हम ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन दोनों के बीच में कभी कभी अगर मतलब डिफरेंस करने को आए तो आप याद रखें कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी जो सेल के अंदर का फ्लूइड है उसका वॉल्यूम जो है हमारी बॉडी के अंदर वो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 22 लीटर। कितना होता है 22 लीटर, यानी 22 लीटर आपका इनसाइड द सेल्स देखने को मिलता है। पूरी बॉडी हमारी सेल्स से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, तो उसमें लगभग 22 लीटर आपका जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो इनसाइड द सेल है और 18 लीटर आउटसाइड द सेल है। 18 लीटर आउटसाइड द सेल है, यानी ECF में आपकी वैल्यू और इसमें याद रखेंगे। ये किस तरीके से ये फॉर्म करता है 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। आपके टोटल जितना भी बॉडी के अंदर वाटर है उसका 55% बना हुआ है ICF से, जबकि 45% में फॉर्मेशन होती है किसकी ECF की। और यही ECF, ये तो मेन 2 बेसिक पॉइंट्स है आपके ICF और ECF के बारे में। अब ये जो ECF है ये फर्दर डिवाइड होता है 5 सब यूनिट्स के अंदर, एंड दोज 5 सब यूनिट्स आर दिस। कौन कौन सी है, सबसे पहला है कि 5 सब यूनिट यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 5 सब यूनिट में बटा हुआ है। एक होता है इंटरटिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ, जो कि लगभग 20% कैरी करता है। इंटरटिशियल फ्लूइड यानी सेल और जो सेल के बीच में जो स्पेस है, 2 सेल के बीच में जो स्पेस है तो वहाँ पर इंटरटिशियल स्पेस हो जाता है, तो वहाँ पर जो फ्लूइड देखने को मिलता है। या फिर जो लिम्फ है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आपने पहले भी सुना होगा ब्लड और लिम्फ के बारे में 11th क्लास में, कि 2 आपके फ्लूइड होते हैं, इसे हम आगे चल कर डिस्कस भी करना है, हमारे कोर्स में भी है। तो फ्लूइड और लिम्फ इन दोनों की वैल्यू को मिला के 20% बनता है, और ये आपको एक कंडीशन होती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर दूसरा पॉइंट जो आता है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका लगभग 7.5% कैरी करता है। उसके बाद तीसरा जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो फ्लूइड इन बोन्स। बोन्स के अंदर आपका क्या होता है, जब हम इस तरीके से अगर आप बोन देखें तो ये आपकी जो बोन होती है, इन बोन के बीच में यहाँ एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कभी कभी बोन मैरो के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लूइड भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्योंकि ये सेल से बाहर है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को फ्लूइड इन बोन्स यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है 7.5%। उसके बाद है फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी आपकी सॉफ्ट बोन्स होती है और उन सॉफ्ट बोन के अंदर भी आपको फ्लूइड देखने को मिलता है, और ये होता है 7.5%। उसके बाद है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जिसकी वैल्यू होती है 2.5%, और ये ट्रांस सेलुलर फ्लूइड आपका इंक्लूड करता है कुछ पार्ट। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, इंट्रोस्कुलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूस एंड सीरस फ्लूइड, ये इस टाइप के डिफरेंट फ्लूइड होते हैं जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर आते हैं। और भी अगर एडवांस जाए तो ये सीरस फ्लूइड जो है फर्दर आपका इंट्राप्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड, इन तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है। बस इतना डिटेल में आपको जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये बहुत ही एडवांस होता है, खासतौर पे मेडिकल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी पढ़ते हैं। इतना आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि ट्रांससेलुलर फ्लूइड इज़ फर्दर डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इंट्रोओकुलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूस एंड सीरस फ्लूइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको क्या होता है, इसमें इंक्लूड करता है सिनोवियल फ्लूइड्स इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे में सिनोवियल फ्लूइड्स कैसा होता है, बस अभी आप याद रखिए नाम को। और फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट, जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर भी ये फ्लूइड देखने को मिलता है। इसके बात करें डिस्ट्रीब्यूशन को तो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। जैसा मैंने बताया था ICF की वैल्यू कितनी होती है 22 लीटर, तो ये आपका है ICF यानी सेल के अंदर का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और बाहर की तरफ है ECF, और ECF की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने 18 लीटर, कितनी बताई थी 18 लीटर। तो इस 18 लीटर और 20 लीटर में एक्सचेंज होगा। साथ में ये ECF भी डिवाइडेड है फ्रेगमेंट्स के अंदर, क्योंकि हमने बताया था 5 फ्रेगमेंट में डिवाइडेड होता है, तो यहाँ 5 तो नहीं लिखे हैं बट हमने यहाँ पर 2 मेन लिख रखे हैं, क्योंकि 20% जो होता है लगभग 12 लीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है इंट्रस्टिशियल फ्लूइड, और लगभग 2.7 लीटर देखने को मिलता है प्लाज्मा में। बाकी सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं सिनोवियल फ्लूइड या फिर ये फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक या फिर ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ये सब मिलकर बनाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.25 लीटर, जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है अदर्स करके। तो ये अगर आप बनाते हैं अपने क्वेश्चन में, अगर फ्लूइड से रिलेटेड बात आती है तो ये एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा। और कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के हमें क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के बारे में। कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से बॉडी फ्लूइड बना हुआ है। तो बॉडी फ्लूइड की अगर बात करें तो 2 चीज़ें बॉडी फ्लूइड में मेन है, एक है वाटर और दूसरा है सॉलिड्स। अब ये सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। वाटर तो आप समझ गए भी, सिंपल सा है, वाटर है H2O, उसका तो वही फॉर्मूला हुआ है, तो कभी कोई चेंज होने वाली बात नहीं है। बट सॉलिड किस टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मैंने ये एक लिस्ट दे रखी है, जिससे आप पढ़ लेना, ईजी से नाम है। मैं नहीं चाहता वीडियोस बहुत लंबी बने जिसे देख के इतने बोरिंग से हो, तो यहाँ पर आप याद रखना ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, जितने भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये सब आपके ऑर्गेनिक है, मतलब ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ये जितने भी आप एलिमेंटल फॉर्म देखते हैं इन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। नाउ वी हैव अ डिफ्रेंशिएट बिटवीन ECF एंड ICF। ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया वैसे ECF ICF, पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड ग्लूकोज फैटी एसिड एंड ऑक्सीजन, तब आपका होगा ECF में। ECF में यानी क्या कह रहा है, ECF के अंदर लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अलग अलग है, सोडियम अलग है, बाइकार्बोनेट अलग है, क्लोराइड अलग है, ग्लूकोज फैटी एसिड ऑक्सीजन। इसका जो pH होता है वो होता है 7.4, और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो होती है 2 ग्राम पर डाइल्यूशन। वहीं पे ICF को अगर आप देखें इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो लार्ज क्वांटिटी में क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट एंड प्रोटीन्स, और इसका pH होता है 7.0, और प्रोटीन की जो वैल्यू होती है देखो यहाँ सिर्फ 2 ग्राम पर डाइल्यूशन थी, यहाँ है 16 ग्राम पर डाइल्यूशन, यानी इनसाइड द सेल प्रोटीन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू द आउटसाइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट करने का तरीका यह है, अगर आपको इंट्रासेलुलर फ्लूइड को मेजर करना है तो आपको कुछ वैल्यू दूंगी, आप टोटल फ्लूइड वैल्यू में से ECF की वैल्यू को घटा दीजिए, और आगे पीछे करके आप इसके अदर फॉर्मूलेज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में देखो, कंसंट्रेशन है कितनी अमाउंट कितने लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है ऑस्मोलैलिटी, एक होता है ओस्मोलैरिटी और एक होता है टोनिसिटी। अब सबसे पहले बात करते हैं ओस्मोलैलिटी की। अगर ओस्मोलैलिटी देखो, ये वर्ड समझना, ओस्मोलैलिटी और यहाँ है ओस्मोलैरिटी, तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर जो हम सब्सटेंस लेने वाले हैं, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नोटिस करने वाली बात समझना, किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं जिन्हें हम ऑस्मोल्स बोलते हैं, यानी पार्टिकल्स को यहाँ पर ऑस्मोल्स बोला गया है, पार्टिकल को यहाँ पर हम ऑस्मोल्स बोल रहे हैं, तो ये पार्टिकल और ऑस्मोल्स को अगर आप किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं तो आप निकालते हैं ऑस्मोलैलिटी। और लेकिन जब आप इसे लीटर में निकालते हैं तो ये कहलाता है ऑस्मोलैरिटी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो किलोग्राम NRS में, तो आप इससे याद रखता है ऑस्मोलैलिटी, ये लिटी आ जाएगा, और जब रिटी होगा तो रे से मतलब लीटर, तो इसमें आर जो आप देखें इससे आप इसे याद रख सकते हैं, लीटर यानी लीटर में रेटी और किलो एल में लिटी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन सर, सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डिफरेंस है ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी में। अब यहाँ पर बात ये रखनी है कि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो आप पर डिपेंड करता है ऑस्मोलैरिटी पर, लेकिन ऑस्मोलैरिटी की जगह हम यूजली यूज़ करते हैं हमेशा ऑस्मोलैरिटी। आपसे इसके रीज़न पूछे जा सकते हैं कि ऑस्मोलैरिटी क्यों यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने की वजह यह है क्योंकि मेजरमेंट ऑफ वेट किलोग्राम ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट प्रोसेस। मैं आपसे कहूँ कि वाटर को किलोग्राम में निकालो तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब पॉसिबल तो है बट वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए मोस्ट ऑफ द वाटर अगर आप देखते हो बोटल्स वगैरह करना तो आपको ऐसे देखने को मिला 2 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, ऐसे नहीं लिख के आया कभी भी कोई लिक्विड 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम इस तरीके से, मतलब 6 kg, 5 kg इस तरीके से आपकी वैल्यू लिखी हुई नहीं होगी। अगली तो ये चीज़ जो इसमें है, तो ये पहली बात आपको याद रखनी है कि भाई वेट किलोग्राम में लेना किसी लिक्विड का, स्पेसिफिकली वाटर का, डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं उसे किस में लीटर में लेते हैं, और जब मैं लीटर, अभी मैंने बताया था लीटर में आर आता है, तो हमें ऑस्मोलैरिटी लेनी पड़ेगी ना कि ऑस्मोलैरिटी, इसलिए हम ऑस्मोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह यह है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाले भी ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी का, तो ये लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी लेस देन 1 से वैल्यू आती है, तो इसलिए कोई दिक्कत होती भी नहीं है, चाहे आप ऑस्मोलैरिटी ले लो या फिर आप ऑस्मोलैरिटी ले लो, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी लीटर के हिसाब से निकल लिया तो वो आसान है निकालनी, इसलिए हम ऑस्मोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं और ऑस्मोलैरिटी का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, किसी भी कंडीशन में अगर आपकी ऑस्मोलैरिटी, जिसे मैं ऑस्मोलैरिटी भी बोलता हूँ, अगर ये चेंज होती है ईसीएफ में, तो ये पूरे के पूरे वॉल्यूम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, तो दो कंडीशन देखिए यहाँ पर। अगर ऑस्मोलैरिटी ऑफ अ ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो वाटर आपका मूव करेगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, याद रखना। अभी जब मैंने पीछे ब्लॉक बनाया था तो उसमें मैंने यहाँ पर ICF लिया था और यहाँ मैंने ECF लिया था, तो ये वही है कि अगर आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड जो है वो ECF से इधर से आ जाएगा, इसके बढ़ने पर ICF से ECF में आ जाएगा, यानी वाटर मूव करेगा फ्रॉम ICF टू ECF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ऑस्मोलैरिटी अगर आपकी ECF की डिक्रीज होती है तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम ECF टू ICF। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टोनिसिटी। टोनिसिटी की बात करें तो ये मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी। अब देखो यहाँ ये वर्ड बहुत समझने वाला है, इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी। अब दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं या ऑस्मोल्स होते हैं, क्योंकि याद रखना हमने पार्टिकल को यहाँ पर नाम दिया है ऑस्मोल्स। तो ये जो ऑस्मोल्स की अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल्स ऑस्मोल्स की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इफेक्टिव और एक होते हैं इनइफेक्टिव। ऐसा कोई पार्टिकल जो जब दो चीज़ों के बीच में कोई सपोज करो लिक्विड ट्रांसफ़र हो रहा है और इसके लिक्विड ट्रांसफ़र होने में या आसानी से रैपिडली ट्रांसफ़र हो जाए और अंदर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, तो ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं हम इनइफेक्टिव ऑस्मोल, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ वाटर में कोई इफेक्ट पड़ा ही और मॉलिक्यूल अंदर भी चला नहीं। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल आपको याद हैं, जैसे कि यूरिया एंड एल्कोहल। अब यूरिया एंड एल्कोहल के अंदर एक ने बोला डू नॉट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये वाटर की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करते बिटवीन फ्लूइड कंपार्टमेंट, हैंस दे आर कॉल्ड इनइफेक्टिव ऑस्मोल्स, क्योंकि ये फ्लूइड कंपार्टमेंट की मूवमेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते, इसलिए इसे हम बोलते हैं इनइफेक्टिव ऑस्मोल्स। जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करूँ सच एज सोडियम और ग्लूकोज की, तो ये क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को स्लोली एंड इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर मूवमेंट को, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वाटर मूवमेंट को, दिक्कत पैदा कर रहे हैं मूव होने में सोडियम और ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इफेक्ट डालने हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज इफेक्टिव ऑस्मोल्स। और इस इफेक्टिव ऑस्मोल का ही इस्तेमाल करा जाता है टोनिसिटी में, यानी इट इज़ अ मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी, यानी इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी की वजह से हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। जब हम इसको मेजर करते हैं कि कितना है तो उसे बोलते हैं टोनिसिटी। और इसी की मेजरमेंट पर 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, और वो 3 टाइप के सॉल्यूशन आपने शायद पढ़े होंगे पहले, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब ये 9th क्लास में भी था और 11th क्लास के एग्जाम में भी देखने को मिलता है, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये 3 आता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये तीनों को यहाँ डिस्कस करना है जो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड की। फ्लूइड विच हैज़ द सेम इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी एज बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड आइसोटोनिक फ्लूइड, यानी फ्लूइड विच हैज़ सेम इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी। सपोज करो 2 मेम्ब्रेन है और जितना पानी यहाँ भरा उतना पानी यहाँ भरा, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। यानी इस कंडीशन के अंदर आप देख लेंगे, इसे हम बोलते हैं आइसो मतलब यूज़ करा था सेम के लिए, तो यहाँ पर आइसोटोनिक फ्लूइड होगा ये। और ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगर आप 0.9% सॉल्यूशन बनाए NaCl का, NaCl का 0.9% सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये होगा आपका आइसोटोनिक फ्लूइड। दूसरा है ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाइए 5%। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक फ्लूइड। और ऐसी कंडीशन में ना तो वाटर अंदर जाएगा ना वाटर बाहर जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसे बोलते हैं कि जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है? ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आ गया। और जब ये इक्विलिब्रियम मतलब दोनों के दोनों क्या है, बराबर कंपोनेंट पर आ गए हैं। और अगर बराबर आ गए तो कोई भी एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक फ्लूइड। अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड के रेस्पेक्ट में बात करें तो फ्लूइड विच हैज ग्रेटर इफेक्टिव ओस्मोलैलिटी, जिसकी ज्यादा इफेक्टिव उसमें देन द बॉडी फ्लूइड, यानी आपकी बॉडी फ्लूइड से बाहर की, यानी अगर मैं इसे सेल बोलूँ तो सेल के बाहर का फ्लूइड की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तब क्या होगा। जैसे कि 2% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इसमें एग्जाम्पल दे रखा है तो क्या होगा। जैसे सपोज करो ये एक आरबीसी है और आपने इसे प्लेस कर दिया एक सॉल्यूशन में जिसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, हैवी है, यानी ये ज्यादा है, ये ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है और अंदर की ऑस्मोलैरिटी कम है। तो क्या हुआ, अंदर से जितना भी पानी है वो सारा का सारा इस सर्कल के अंदर, यानी ये सेल है इसके अंदर बाहर आ जाएगा, जिससे अंदर की जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। यानी अगर आपकी पहले रेड ब्लड सेल इस तरीके की थी गोल, अब वो सिकुड़ के कुछ इस तरीके से ऐसी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी सेल कन्वर्ट है, क्योंकि सारा वाटर जो है वो निकल के कहाँ चला गया है, ECF में चला गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला गया। तो ये लिखा है यहाँ पर RBC एंड अदर सेल प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम उसे प्लेस कर दे दे श्रिंक, वो सिकुड़ जाती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड एनवायरमेंट, क्योंकि जो सेल से वाटर है वो आपका आउटसाइड एनवायरमेंट में चला जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी, क्रीनेशन नाम का एक वर्ड है यहाँ पर, जिसे कहीं आपको देखने को मिल सकता है। इसका मीनिंग होता है कि सेल जो है वो आपकी श्रिंक हो गई है, सेल आपकी श्रिंक हो गई है, यानी पहले जो सेल इस तरीके से है वो सिकुड़ के ऐसी हुई, क्योंकि उसके अंदर का सारा जो वाटर था, वाटर कंटेंट जो था वो सब इसमें से बाहर निकल गया है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस। अगला जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन बात करें तो फ्लूइड विच हैज लेस इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी। अभी क्या था कि हमने इस एक सेल को ऐसे